नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के सदर फ्लाईओवर से फिर एक युवक की गिरकर मौत, एक महीने के भीतर हुआ दूसरा हादसा। होटल और ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाने और पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीसीपी लोहित मतानी ने दी चेतावनी। और राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज को मौन धारण कर दी गई श्रद्धांजलि, अमरावती के गुरुकुंज मोजरी में कार्यक्रम का समापन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर के सदर फ्लाईओवर पर एक बार फिर बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हुआ। हाल ही में यह दूसरी ऐसी घटना है जब इस पुल से गिरकर युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि सुरक्षा दीवार से टकराकर बाइक सवार सीधे नीचे जा गिरा। उसे उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक शहर के लेंडी तालाब बांग्लादेश निवासी राहुल मधुकर उमरेडकर सोमवार की शाम के दौरान अपनी बाइक पर काटल रोड से आरबीआई चौक की ओर जा रहा था। सदर फ्लाईओवर के छावनी वाई पॉइंट पर पहुंचते ही उसका बाइक से नियंत्रण छूट गया। बाइक सीधे सुरक्षा दीवार से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद राहुल बाइक से उछलकर सीधे नीचे जा गिरा। संयोग से उस समय नीचे किसी वाहन की आवाजाही नहीं थी, वरना वह भी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। रास्ते से गुजर रहे नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही सदर के थानेदार विनोद चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहुल को अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच करते ही उसे मृत घोषित कर दिया। एक माह के भीतर ये दूसरा हादसा है। गत 16 सितंबर को काटोल निवासी जीवन जुमना के काटोल रोड से आरबीआई की तरफ जा रहा था। इसी तरह वह भी हादसे का शिकार हुआ था। फ्लाईओवर से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इसके पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। सदर फ्लाईओवर दुर्घटनाओं को लेकर खतरनाक साबित हो रहा है, जबकि ऐसे हादसे भविष्य में न हो इस पर विचार होना आवश्यक है। नागपुर जोन 3 के डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि ढाबे या होटल में ग्राहक को होटल या ढाबा मालिक द्वारा शराब दी जा रही है तो ये कानूनन जुर्म है। यदि होटल रेस्टोरेंट या ढाबों पर ग्राहक शराब पीते नजर आए तो होटल ढाबा मालिक पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसलिए लोगों से डीसीपी मतानी ने अनुरोध किया है कि वे पुलिस को इस संबंध में जानकारी दें। नमस्ते, मैं लोहित मतानी, डीसीपी जोन 3 नागपुर सिटी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले के ऊपर अगर कोई भी कस्टमर या तो खुद से शराब लाकर पीते हैं या फिर होटल ढाबे का ओनर उनको शराब पिलाता है तो ये महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर गुनाह है। ये अलाउड नहीं है। केवल लाइसेंस ओनर बार वाले ही शराब पिला सकते हैं या फिर शराब खरीद कर कस्टमर अपने घर पर शराब पी सकता है। तो अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले पर शराब पीता है तो कस्टमर पर तो गुनाह दाखिल होगा ही होगा, लेकिन जो उनको पहुंचा रहा है, जो उस जगह के मालिक हैं, उन पर भी गुनाह दाखिल होगा और उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जा सकती है और उनको अपनी ढाबा या होटल बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि कोई भी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या ठेले वाले अपने जगह पर किसी को शराब पीने ना दें और शराब पहुँचाए भी नहीं। समूचे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले राष्ट्र संत श्री तुकड़ोजी महाराज, इनकी 53वीं पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके हजारों अनुयायियों ने उन्हें मौन होकर श्रद्धांजलि दी। ज्ञात हो कि 11 अक्टूबर 1968 को राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का महानिर्वाण हुआ था, जहां इस वर्ष 19 अक्टूबर से अमरावती के गुरुकुंज मोजरी में पुण्यतिथि महोत्सव की शुरुआत की गई, जबकि सोमवार को पुण्यतिथि महोत्सव का समापन किया गया। इस समय तुकड़ोजी महाराज को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाच्या मार्फत महाराजांची
मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील झाला. खरं मागच्या 2 वर्षांमध्ये अजिबातच आम्ही काही करू नाही शकलो, पण आज या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल, सोशल डिस्टन्सिंग असो किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असो, सॅनिटायझेशन असो, या सगळ्या गोष्टींचं पालन केलं आणि मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम. आम्हाला अपेक्षा नव्हती की एवढे मंडळी येतील, पण भरपूर सारे भाविक या ठिकाणी आले आणि शांततेत महाराजांच्या ह्या मौन श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम अतिशय शांतपणे पार पडला. महाराजांनी सर्वधर्म संभाव या ठिकाणी जो शिकवलेला आहे, बंधुभाव जो शिकवलेला आहे, त्याचा प्रचार प्रसार या ठिकाणी अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाच्या मार्फत सातत्याने होतो. आणि मौन श्रद्धांजली हे एक भेटायचं किंवा कृतज्ञता व्यक्त करायचं हे एक स्थान असतं, तो एक वेळ असतो, आणि त्या अनुषंगानं या सगळ्या गोष्टी इथं शांतीपूर्ण झाल्या. लोकांच्या श्रद्धेला परिवार नाही अशी परिस्थिती आहे. आजही आम्ही वेळोवेळी त्यांना भक्तमंडळींना सूचना केल्यात की आपण गुरुकुंजामध्ये न येता आपापल्या गावीच आपली पुण्यतिथी साजरी करा, आणि 53 पुण्यतिथीनिमित्ताने आपल्या गावातून किंवा आपल्या परिसरातून 53 बॉटल रक्त आपल्या परिसरातून किंवा आपल्या गावातून आपण संचय करा त्याचा, अशी सूचनासुद्धा करूनही मंडळी यावेळेला खूप मोठ्या प्रमाणात आली. ह्या सूचनेला पालन केलं. मागच्या वर्षीला त्या मानानं कोरोनाचं पालन शासकीय नियमानुसार आम्ही संस्थेने केलेलं होतं. यावर्षीला पण ते अजूनही आम्हाला यश त्यामध्ये फार आलं, तर फार मंडळी आली. जसं दरवर्षीला जवळपास 5 ते 6 लाख लोक मंडळी या ठिकाणी येतात. लोकांनी त्याचाही विचार केला की कोरोनामुळे आपण जाणं बरं नाही. आप गुरुदेव सेवा मंडळाची मंडळी पुष्कळ थांबले गेली आणि गावोगावी त्यांना प्रतिसाद आम्हाला पत्र आली किंवा फोन आले किंवा मेसेज आले की आमच्या गावाला आम्ही पुण्यतिथी साजरी करतो, आम्ही गुरुकुंजामध्ये आज यावर्षी वेळेलाही न येता इतर वेळेला वेळोवेळी आमच्या सोयीनेप्रमाणे आपण येऊ. राजसंत तुकडोजी महाराजांचा विचार प्रसार व्हावा हाच श्रद्धांजलीचा एकमेव हेतू आहे. त्याचं कारण असं आहे की त्यांनी वर्ग 2 शिकले असतानाही जवळपास 78 प्रकारची पुस्तकं लिहिली. एक चमत्कारी महात्मा, एक परिवर्तनवादी महात्मा, आणि अशा पद्धतीचं त्यांनी पुण्यतिथी साजरी करण्याच्या दृष्टीनं कुठेही सूचना केल्या नव्हत्या, पण त्यांच्या साहित्याचा आणि देशामध्ये राष्ट्रामध्ये त्यांच्या विचाराचा प्रचार व्हावा राष्ट्रीय नवनिर्मितीसाठी आणि राष्ट्राच्या उद्धारासाठी, राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी त्यांनी आपलं साहित्य संपन्न लिहिलं आणि ते साहित्य त्यांचा प्रसार व्हावा आणि लोकांमध्ये त्याची जागृती व्हावी ही कल्पना त्यांची पुण्यतिथीची होती. समीर वानखेड़े मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे, शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बयान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दिया. मुंबई में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से पहले चर्चा भी होगी. ज्ञात हो कि समीर वानखेड़े इस NCB के अधिकारी पर शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को रिहा करने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगा है. इस सवाल के संदर्भ में उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है. त्यांनी जे ॲफिडेविट केलेलं आहे ते माझ्या पाहण्यात आलेलं आहे आणि त्यांना जी त्यांच्या स्वतःच्या जीवाची भीती वाटते त्याच्यासाठी त्यांनी जे संरक्षण मागितलं ते संरक्षण मुंबई पोलिसांनी त्यांना दिलेलं आहे. नाही, अजून नवाब मलिकांची माझी भेट झालेली नाही. ते निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये आहेत. त्यांची भेट झाल्यानंतर त्यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घेऊन मग पुढील जी योग्य जी कारवाई असेल ती योग्य ती कारवाई आम्ही करू. नाही, FIR लॉन्च करण्यासाठी कुठेतरी तक्रार द्यावी लागते. ती तक्रार दिली तर पोलीस त्याची पुढची कारवाई करतील. या विषयाच्या संदर्भामध्ये माझी आणि मुख्यमंत्र्यांची जुजबी चर्चा झाली, जास्त काही चर्चा झाली नाही. मी दुसऱ्या मीटिंगच्या निमित्तानं गेलेलो होतो, त्यामुळे या विषयावर काही फार जास्त चर्चा झाली नाही. मी ही भूमिका स्पष्टपणाने मांडलेली आहे की आजपर्यंत केंद्रीय यंत्रणांचा इतका वापर कधीही झाला नव्हता इतक्या वर्षांमध्ये. आता थोडासा जास्त वापर त्याच्यामध्ये होतो आहे, एक्सेसिव्ह वापर होतो आहे, आणि सरकारला आणि राजकीय व्यक्तींना जास्त वेठीला धरण्याचं काम सुरू आहे. तर त्याच्या संदर्भामध्ये मी माझी भूमिका मांडलेली. कोरोना महामारी के नियंत्रण में आने के बाद से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं. फिलहाल शहरी भागों में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल खुले हैं, लेकिन दिवाली के बाद सरकार पूरी क्षमता से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है.
ऑनलाइन पद्धति में अध्यापन योग्य तरीके से नहीं होने की बात शिक्षक संगठनों ने सरकार को बताई। इसी बीच दिवाली की छुट्टियां 1 से 13 नवंबर तक हैं, यानी 15 नवंबर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। सरकार ने ग्रामीण भागों में पहली से और शहरी भागों में पांचवी से स्कूल खोलने के पहले ही संकेत दिए। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सहमत हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक ली। इसमें स्कूल खोलने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेना है। इसमें भी टास्क फोर्स की सिफारिश की आवश्यकता होगी। राज्य में कोविड संक्रमण और मृत्यु का प्रमाण कम हुआ है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। यही वजह है कि सरकार स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू करने पर विचार कर रही है। वैसे भी इस बार ऑफलाइन परीक्षा लेने के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। इस हालात में शिक्षकों के लिए समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक होगा, जो स्थिति पिछले वर्ष ग्रामीण भागों में थी, वही स्थिति इस बार भी बनी हुई है। यानी पहली से पांचवी तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस नाम मात्र की हो रही है। लगातार 2 वर्ष तक ऑनलाइन परीक्षा के भरोसे छात्रों को रखे जाने का मतलब है कि उनका शैक्षणिक नुकसान करना। यही वजह है कि अब दिवाली के बाद पूरी क्षमता से स्कूल खोलने पर विविध शिक्षक संगठनों से भी चर्चा की जा रही है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेडिकल में भर्ती मरीजों को हर दिन खाने में सब्जी, रोटी, दाल और चावल दिया जाता है, लेकिन दिवाली के पर्व पर विविध वार्डों में भर्ती मरीजों को वेज पुलाव, सेवई की खीर के साथ ही मिष्ठान भोजन दिया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान भर्ती होने वाले मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय की पहल पर आहार में अंडे दिए गए। वहीं अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी भोजन की व्यवस्था की थी। रात के वक्त भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भी होटल और रेस्टोरेंट से भोजन की व्यवस्था की गई। इस बार दिवाली के मद्देनजर आहार को कुछ अलग बनाने का निर्णय लिया गया है। दिवाली पर रोटी के साथ ही वेज पुलाव, कड़ी, आलू छोले की सब्जी, सेवई खीर तथा मधुमेह वाले मरीजों को भजिया दिया जाएगा। इस संबंध में अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता और वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने योजना बनाई है। भोजन में बदलाव के पीछे दिवाली जैसे त्योहार पर अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीजों के चेहरे पर खुशी लाना और वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास है। मेडिकल में बड़ी संख्या में ग्रामीण भागों के मरीज आते हैं, उनके लिए अस्पताल में मिलने वाले भोजन के अलावा कोई पर्याय नहीं होता। मेडिकल में हर 24 घंटे में करीब 1200 मरीज भर्ती होते हैं। नंदनवर पुलिस स्टेशन अंतर्गत रविवार की रात 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। दोपहिया वाहन को लेकर हुए विवाद में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया। इसमें 4 लोगों की बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से दर्शन कॉलोनी परिसर में रहने वाले नागरिकों में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक संजय नगर नंदनवन निवासी शेख एजाज शेख असलम की शिकायत पर सद्भावना नगर निवासी इरफान और भोला द्रफ खान, नंदनवन झोबड़पट्टी निवासी गणेश और गण्या नाइक, भावेश और भव्या, पीयूष शेंडे, हसनबाग निवासी सैयद परवेज, ताजबाग निवासी बल्लू नायक और फैजान अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि इरफान की मां सलमा की शिकायत पर हसनबाग निवासी सोहेल अली, शेख एजाज शेख जावेद, विक्की फरकुंडे और तनवीर अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि आरोपियों ने विक्की से उसकी गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए और वाहन भी वापस नहीं कर रहे थे। रविवार की रात विक्की अपने दोस्तों के साथ आरोपियों के
वाहन मांगने गया, वहीं दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। पहले तो एक दूसरे पर लातों घूसों की बरसात की गई, बाद में आरोपियों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हापा पुलिस स्टेशन अंतर्गत शिवधाम घाट से रेत का अवैध उत्खनन करने का मामला सामने आया। इस मामले में रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रक सहित तीन पकड़े जाने की बात पुलिस विभाग द्वारा बताई जा रही है। देर रात हुई इस कार्रवाई से रेती का अवैध उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है, जबकि पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नागपुर में अवैध रेत उत्खनन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। नागपुर जिला प्रशासन द्वारा खापा क्षेत्र से कुछ रेत घाटों के स्टॉक को 31 दिसंबर तक रेत बिक्री करने की इजाजत दी गई है। रोजाना दर्जनों ट्रक खापा से होकर रेत का परिवहन कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर हुई कार्रवाई से भड़के लोगों की वजह से इन ट्रकों ने भी धुलाई बंद कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे के दौरान कुछ लोग कन्हान नदी के शिवधाम घाट से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे। कार्रवाई को भांप कुछ ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन सहित भाग निकले, लेकिन तीन ट्रैक्टर चालक पकड़े गए। पुलिस ने कुल 12,07,500 रुपए का माल जब्त किया। खापा पुलिस ने चालक अनिल भारत मसराम सालेघाट, सुनील मेशराम बंड और अमर शंकर राव दोनों खापा निवासियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। थानेदार अजय मानकर के मार्गदर्शन में एएसआई विजय बाराई व सहकर्मी शुभम आदमने जांच कर रहे हैं। रविवार तड़के 3 बजे के करीब खापा पुलिस की टीम गश्त पर थी। जवाहर टी पॉइंट के पास एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास रॉयल्टी पास नहीं मिला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक राजकुमार सुरेश राउत कुरहा अमरावती निवासी को हिरासत में लेकर ट्रक सहित 25,20,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध रेत उत्खनन करने वालों में डर का माहौल है, जबकि कुछ लोग भूमिगत होने की जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। अनैतिक संबंधों के चलते रविवार की देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। यह घटना वल्ली स्थित WCL कॉलोनी की बताई जा रही है। इस घटना से पूरी कॉलोनी में खलबली मच गई है, जबकि हत्या करने के बाद आरोपियों ने खापरखेड़ा थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया। खापरखेड़ा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना में मृतक मोहम्मद अयाज उर्फ छुट्टन इसराइल सिद्दीकी या आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। इस मामले के आरोपी महबूब अली उर्फ टिन्नू सलीम सिद्दीकी और इरफान नियामुल हसन खान और मृतक तीनों वल्ली के रहवासी है और अच्छे मित्र भी थे। कुछ दिनों से मृतक अयाज की बुरी नजर आरोपी महबूब अली के घर की महिलाओं पर थी, जिसके कारण इनमें आए दिन में विवाद होते रहते थे। रविवार की रात करीब 8 बजे के आसपास दोनों आरोपियों ने अयाज को अकेले में सुनसान जगह पर बुलाकर उसे चाकू घोप कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को कब्रिस्तान के पीछे कन्हान नदी के किनारे झोपड़ियों में फेंक कर देर रात स्वयं ही खापरखेड़ा थाने में पहुंचकर पुलिस को अयाज की हत्या करने की बात कबूली। ये सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत लाश ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी देर खोजबीन करने के बावजूद पुलिस को मृतक का शव नहीं मिला। इसके बाद आरोपियों को लेकर पुलिस ने अयाज का शव बरामद कर लिया। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा गया, जबकि खापरखेड़ा पुलिस के लिए भी आश्चर्यजनक बात थी कि हत्या कर आरोपियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। सावनेर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले धापेवाड़ा में चल रहे अवैध डांस बार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने से हड़कंप मच गया। पुलिस निरीक्षक मारुति मुलुक को गुप्त जानकारी मिली थी कि धापेवाड़ा स्थित शिवम बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा अवैध डांस बार चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रात करीब 11:30 बजे शिवम बार पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान 1,27,000 का माल जब्त किया गया। वहीं 5 बार बालाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि बार में कार्य करने वाले 8 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया। सावनेर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बार के मैनेजर मनीष उर्फ प्रेम नारायण जायसवाल, वेटर राहुल राम टेके, टिकेंद्र वधाराव सावजी, रोहित सुरेश शाहू, ऑर्केस्ट्रा स्टेज के कलाकार पराग दीपक सालस्कर, मासूम अब्बास मोहम्मद, प्रवीण नारायण मोरे, शेख नसीर वल्द नफीस अहमद व सभी धापेवाड़ा निवासियों के साथ 5 बार बालाओं को हिरासत में लिया गया। गायक कलाकारों को सूचना पत्र देकर छोड़ दिया गया। कार्रवाई में 1,27,500 का माल जब्त किया गया। इसके साथ महाराष्ट्र होटल, उपहार गृह, मद्यपान कक्ष, अश्लील नृत्य प्रतिबंध की धारा का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।